भागलपुर नगर निगम में हुए घोटाले का विवाद तूल पकड़ लिया है। पार्षद एकता मंच घोटाला के आरोपियों पर कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। आज दर्जनों पार्षद व लोगों ने नगर निगम में मेयर व नगर निगम प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। पार्षदों ने एक सुर में मेयर को अविलंब कुर्सी छोड़ने के लिए कहा। वार्ड 27 के पार्षद मोहम्मद उमर चांद ने कहा कि नगर निगम में घोटाला ही घोटाला हो रहा है। इससे पहले ट्रेड लाइसेंस घोटाला हुआ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मजदूरों के पैसे का घोटाला हुआ, इसमें हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। सब कुछ क्लियर है, उसके बाद भी विभागीय कार्रवाई की बात कर मामले को लिपापोती किया जा रहा है। वार्ड 21 के पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि महापौर महोदया का भ्रष्टाचारियों पर अगर आशीर्वाद नहीं है तो ऐसा भ्रष्टाचार असंभव है। महापौर भी भ्रष्ट है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आज धरना दे रहे हैं। वहीं राजद के प्रदेश महासचिव शक्रपाणी हिमांशु ने कहा कि मेयर पति टुनटुन शाह के सभी कार्यों में घोटाला है, सही से जांच हो तो सब साफ हो जाएगा। आज हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि नगर निगम में हमेशा भ्रष्टाचार का हो रहा है। इससे पहले भी 6 महीना पहले ट्रेड लाइसेंस का घोटाला हुआ और जिसका जांच आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसीलिए इस बार जो लेबर का घोटाला है इसका हम लोग उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, जिसमें कि अब जांच को क्लियर हो गया। लेने वाला आदमी बोल रहा है पैसा हमको मिल रहा है, उस पर अब FIR नहीं करके विभागीय कार्रवाई कर करके ये लोग निपापोती का काम कर रहा है। हम लोग भागलपुर नगर निगम में जो भ्रष्टाचार हर एक टेबल पर लिप्त है, ये भ्रष्टाचार जब तक कि हम लोगों का मुखिया महापौर महोदया का अगर आशीर्वाद प्राप्त नहीं है इस भ्रष्टाचारियों पर, तो खुलकर इस तरह का भ्रष्टाचार होना असंभव। इसी क्रम में जो सफाई मजदूर कर्मचारी है उसका पैसा टुनटुन शाह के अकाउंट में जाना, ट्रैक्टर नगर निगम के सारे नियम कायदा को ताक पर रखकर ट्रैक्टर टंकर डंपर अपने संस्था के नाम पर करवाना और अपने अकाउंट में पैसा लेना, यह साबित करता है कि महापौर भ्रष्ट है। और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम लोग एक दिवसीय धरना दिए हैं। हम पार्षद का कहना साफ है, यह भ्रष्टाचार से नगर निगम मुक्त हो और आप, यह साबित हो गया कि आप भ्रष्ट कर रहे हैं, इसलिए आप अपने गद्दी से अपने कुर्सी से त्याग पत्र। धरना है कि भागलपुर में सीजन 2 नहीं हो, गरीबों का टैक्स का पैसा से भागलपुर का विकास हो, शहर का विकास हो और नगर का विकास हो, लेकिन विकास का पैसा घटोले में जा रहा है और घटोले में प्रशासनिक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि की मिली भगत से हो रहा है। आप देख रहे, दुर्भाग्य इस भागलपुर में मजदूरों को पैसा नहीं मिलता है लेकिन मजदूर के नाम पर घटोला होता है। ठीक ही बोले, टैंकर घटोला, फल्ला घटोला। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के जब्बारचक हसन शाह लेन में 24 घंटे में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में विशेष टीम के द्वारा 3 अपराधियों को हथियार, जिंदा कारतूस और अपराध में प्रयुक्त किए गए बाइक के साथ धर दबोचा गया है। कोतवाली थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर CT SP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि लगातार हुए 2 हत्या को सीनियर SP नीताशा गुड़िया ने गंभीरता से लेते हुए मामले के उद्भेदन को लेकर उनके नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया था, जिसमें CT ASP पूरन झा, तातारपुर थाना अध्यक्ष संजय कुमार सुधांशु, बबरगंज थाना अध्यक्ष पवन कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक पूर्णेंदु कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक कौशल भारती सहित तकनीकी शाखा और पुलिस बल के जवान शामिल थे। CT SP ने बताया कि विशेष टीम ने तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर दोनों हत्याकांड में शामिल अलग अलग ग्रुप के मोहम्मद पिंटू, मोहम्मद अजहर इमाम उर्फ आज़ाद और मोहम्मद सागर को एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और हत्याकांड में उपयोग में लाए गए बाइक के साथ धर दबोचा गया है। CT SP ने यह भी बताया कि अभी तक पुलिसी अनुसंधान में आपसी विवाद में हत्या किए जाने का मामला सामने आ रहा है। दोनों मृतक अपराधी प्रवृत्ति के थे और इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। साथ ही CT SP स्वर्ण प्रभात ने नशे के कारोबार से ताल्लुकात रखे जाने के कारण हत्या किए जाने के सवाल पर जांच में अब तक इस तरह का मामला सामने नहीं आने की बात कही है। पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर जिस तरह 3 युवकों को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की जा रही है, लोग इसे संदेह की नज़रिए से देख रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, करीब 3 सितंबर को करीब थाना ततारपुर थाना अंतर्गत 7:30 बजे एक मोहम्मद सैफ नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी और अगले दिन 4 सितंबर को ततारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ही एक मोहम्मद औरंगजेब नामक युवक की भी हत्या कर दी गई है।
इन दोनों केसेज में हम लोगों ने 3 गिरफ्तारियां की है। और पहला जो केस है जिसमें जो बाइक यूज हुआ था स्प्लेंडर बाइक, वो बाइक भी रिकवर हुआ है और उसमें 1 गिरफ्तारी है। और जो दूसरा केस है उसमें भी हम लोगों ने जो वेपन यूज हुआ है उस वेपन को रिकवर किया है। और साथ ही घटनास्थल पर जो खोखा बरामद हुआ है उसको FSL भेजा जा रहा है फर्दर जांच के लिए। और भी कुछ नाम्स आए हैं और उनकी भी छापेमारी की जा रही है, उनको भी हम लोग जल्दी गिरफ्तार करेंगे। वजह क्या रहा इसमें? अभी तक जो वजह सामने आया कुछ आपसी विवाद का ही है, क्योंकि जो अपराधी हैं और जो मृतक हैं वो सब एक ही मोहल्ले और एक ही एरिया के रहने वाले हैं। और अभी तक जो मामला प्रकाश में आया वो आपसी विवाद का ही है। किस तरह का विवाद है? ये अभी अनुसंधान अंतर्गत है। अब किस तरह का विवाद है और आगे और भी अपराधियों को पकड़ेंगे और जो लोग पकड़े गए हैं इनको हम लोग रिमांड पे लेंगे, इनसे पूछताछ करेंगे और एक्चुअल मोटिव क्या है इस घटना का वो और आगे जांच पड़ताल करने के बाद ही सामने आ पाएगा। चार मामला लगातार ऐसा हुआ जिसमें लाइट कटता है, उसके बाद घटना बिजली बंद हो जाए। तो कौन सी चार घटना के बारे में? ये दोनों में भी सर बिजली गुल थी, उसके बाद DIG ऑफिस के पीछे जो हुई थी उसमें भी गुल थी, और हनी साहब पे जो गोली चली थी खंजर, छोटी खंजर पर, उसमें भी लाइट कटी। ये चीज़ जो बिजली कटने वाली बात कह रहे हैं, ये इसका अनुसंधान से कितना संबंध है इसके बारे में जांच करने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। IIIT भागलपुर ने पहले ही बैच में कमाल कर दिखाया है। दरअसल IIIT के 67 में से 63 छात्रों का प्लेसमेंट अच्छे पैकेज के साथ अच्छी कंपनियों में हुआ है। अमेजन, सैमसंग, इंफोसिस, नायका समेत 50 कंपनियों ने IIIT के छात्रों को लाखों के पैकेज दिए हैं। अमेजन ने 30 लाख तक के पैकेज दिए हैं। IIIT अपने दूसरे बैच के छात्रों के प्लेसमेंट की दिशा में काम करना शुरू कर दी है। इस बैच में कुल 100 छात्र नामांकित हैं, जिसमें 90 छात्र प्लेसमेंट के लिए तैयार हैं। भागलपुर IIIT हर रोज नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। इसी कड़ी में IIIT के पहले ही बैच के 67 स्टूडेंट में से 63 स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिला है, वो भी बड़ी बड़ी कंपनी अमेजन, नाइका, सैमसंग जैसी कंपनी में प्लेसमेंट मिला है। अमेजन ने सबसे हाईएस्ट 30 लाख का प्लेसमेंट छात्रों को दिया है और 6 लाख तक का पैकेज यहां पर IIIT ने रखा है। मिनिमम 6 लाख पैकेज रखा गया है और हाईएस्ट 30 लाख पैकेज यहां के छात्रों के लिए रखा गया है। 67 में से 63 छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है। 4 छात्र ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं लेंगे, हम बाहर जॉब करेंगे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि 100% छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। बता दें कि भारत में बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर 100% छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है। पुणे, लखनऊ, गुवाहाटी जैसे इंस्टीट्यूशंस IIIT वहां के हो रहे हैं। इसमें भागलपुर अगर हो रहा है तो ये बड़ी उपलब्धि है, वो भी पहले ही बैच में। IIIT के स्टूडेंट खुश हैं और प्राचार्य भी खुश हैं, ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज, भागलपुर। कितने बच्चे को मिला? ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट हर एक इंस्टीट्यूशन की होती है। हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है जो बच्चों का रिक्रूटमेंट के संबंधित या इंटर्नशिप जो थर्ड ईयर में जो बच्चे हैं उनका इंटर्नशिप करने के लिए जो समर वेकेशन में जाते हैं उनका तय करते हैं। तो मेरा पहला बैच 17 में एडमिशन लिए थे, 21 में पास आउट, मैंने मई जून में पास कर गए और निकल गए। 67 बच्चे, 2 ब्रांच, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दोनों मिलाकर 67 बच्चे थे। उसमें से 4 बच्चे ने ऑप्शन दिया कि हम जॉब के लिए पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम हायर स्टडी करने के लिए विदेश जाएंगे। तो 63 बच्चे थे, 63 बच्चे रिक्रूटमेंट में अपीयर हुए और सभी बच्चों का 100% प्लेसमेंट हो गया है। और करीब 20% बच्चे ऐसे भी हैं जिनको दो दो नौकरी लगी हुई है। उसमें हमारे यहाँ जो मिनिमम पैकेज हमने तय किया था कि 6 लाख से नीचे की कंपनी को हमने अलाउ नहीं करेंगे, और हमारे यहाँ जो मैक्सिमम जो पैकेज देने वाली कंपनी अमेजन थी जो 30 लाख का पैकेज दी, और एवरेज पैकेज जो है हमारे यहाँ
जो सिलेक्शन हुआ है 63 बच्चों का वो 8.5 लाख का है। तो करीब सब मिला के करीब करीब 50 कंपनीज पहली बार, चूँकि इंस्टीट्यूशन की फर्स्ट विजिट फर्स्ट बैच था, तो 50 कंपनी यहाँ पर आई। और इस साल करीब करीब 20 कंपनी, वो जो 50 कंपनी है उसके अलावा 20 कंपनी और भी अप्रोच की है कि हम भी आपके यहाँ आना चाहते हैं और आ रहे हैं। तो करीब 70 कंपनी इस बार और आ गई, और हमने टारगेट रखा है 100 कंपनी का। तो करीब करीब 100 कंपनियाँ इस साल बच्चों के लिए आएंगी। इस साल जो रिक्रूटमेंट के लिए जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, जो उनका रिक्रूटमेंट चल रहा है 18 और 22 बैच, 18 में एडमिशन, 22 में पास आउट, 50 साल का जो कोर्स है उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं। ये 100 करने के लिए करीब 100 कंपनी, एक स्टूडेंट पर करीब एक कंपनी, लेकिन करीब करीब हमको लगता है कि मैक्सिमम बच्चों को दो दो कंपनी करीब करीब कन्फर्म हो जाएगा। हाँ, तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा पैकेज मिला वो उसने अमेजन ने दिया। अमेजन है, नायका फैशन, नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी। जैसे नायका फैशन 16.5 लाख पर एनम, अमेजन 30 लाख पर एनम, नेशनल इंस्ट्रूमेंट 12.75 लाख पर एनम। तो ये सारी कंपनियां जो हैं वो ज़्यादा पैकेज दी। और ये तो फर्स्ट बैच का था, तो अभी जो सेकंड बैच में है, तो सेकंड बैच में अभी 2-3 कंपनीज आ चुकी हैं जो मोर देन 30 लाख ऑफ़र कर रही हैं। और उसके साथ जो थर्ड बैच है, थर्ड बैच 2023 बैच के लिए, तो उसके लिए भी हमने एक कंपनी का कराया, मीडिया नेट नाम है। तो वो जो है 30 लाख देती है और 1 लाख पर मंथ देगी वो इंटर्नशिप में, अगर लड़के इंटर्नशिप में। भागलपुर जिले में गंगा और कोसी में आए उफान के बाद जिले में 51,000 हेक्टेयर के करीब 400 करोड़ के फसलों का नुकसान किसानों को हुआ है। जिले में खरीफ फसल धान, मक्का, केला, मिर्च और सब्जी का ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसको लेकर किसानों को मुआवजा राशि देने के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर आवेदन लिया जा रहा है। 400 करोड़ के नुकसान में महज 69 करोड़ की मांग जिला प्रशासन द्वारा सरकार से की गई है। जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने बताया कि जिले भर में 1,20,000 हेक्टेयर में खरीफ फसल लगा है, जिसमें से 51,000 हेक्टेयर के फसलों का नुकसान हुआ है। 400 करोड़ के नुकसान का आकलन है, लेकिन बिहार सरकार मुआवजा राशि उतना नहीं दे पाएगी, इसलिए हम लोगों ने 70 करोड़ की मांग की है। कृषि पदाधिकारी ने बताया कि 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर असिंचित खेतों के लिए, 13,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सिंचित खेतों के लिए व 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर शाश्वत फसलों के लिए मुआवजा मिलता है। नुकसान 2021 में जो बाढ़ आई है भागलपुर जिले में, 2016 का भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। और 2016 में जितना नुकसान हुआ था फसलों का, उससे ज़्यादा नुकसान इस बार हुआ है जिले में। और अपने यहाँ मुख्यतः धान, मक्का, केला, पपीता, मिर्च, सब्जी, इन्हीं फसलों में नुकसान ज़्यादा हुआ है। हम लोगों का कुल 1,20,000 हेक्टेयर के करीब में बुआई हुआ था, सब्जी प्लस धान मक्का जो अभी खरीफ में होता है, उसमें से 55,000 हेक्टेयर में बाढ़ का पानी घुसा था और 51,853 हेक्टेयर में बाढ़ का 33% से क्षति प्रतिवेदित किया गया है विभिन्न प्रखंडों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर। और उसमें से जो हम लोग आपदा का नॉर्म्स के मुताबिक जो नॉर्म्स है कि 6800 रुपया प्रति हेक्टेयर असिंचित खेतों के लिए, 13,500 रुपया सिंचित खेतों के लिए और 18,000 रुपया शाश्वत फसल के लिए, जैसे आम है, पपीता है, फिर केला है, तो ये सब जो फसल है, गन्ना है, ये सब शाश्वत फसल में आता है। तो ये सब फसल में आपको 18,000 रुपया प्रति हेक्टेयर, तो जो राशि की मांग हम लोगों ने की है राज्य सरकार से, वो 69 करोड़ से ज़्यादा रुपयों की 69 जो किसानों को बीच में बटना है। लेकिन जहाँ तक लॉस की बात है, तो
तो लॉस तो कम से कम आप ये जानिए कि पूरे ज़िले में 51,000-52,000 हेक्टेयर में अगर क्षति हुआ है तो उस क्षति का अगर 50% कहीं तो 100% डैमेज हो गया है। हम लोग धराड़ा में गोपालपुर का मखनपुर पंचायत का धराड़ा गांव गए थे जहां सैकड़ों एकड़ में मिर्च केला पपीता का कुछ भी नहीं बचा है। तो एक एकड़ से 1,00,000 रुपया कमाता है वहाँ का किसान मिर्च की खेती से। तो वैसे जोड़िएगा तो कम से कम ज़िले में 400-500 करोड़ का क्षति हो गया है किसानों को। तो उसकी भरपाई तो खैर संभव नहीं है, लेकिन राज्य सरकार जो कर सकती है उसके लिए रिपोर्ट मंगा जा रहा है। वो रिपोर्ट जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से भेज भी चुके हैं और जिला पदाधिकारी महोदय का इसमें सख्त निर्देश है कि जो वास्तव में जिन किसानों का फसलों का क्षति हुआ है उसको निश्चित रूप से कृषि इनपुट अनुदान का राशि मिले, और कोई गलत आदमी गलत ढंग से गलत कागजात लगा करके इसमें अगर मेरे विभाग के भी कोई कर्मचारी शामिल रहेंगे तो उन पर भी, चाहे वो किसान होंगे तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। तो फसल क्षति के बारे में हम लोग फिर दोबारा आकलन करा रहे हैं कि बाढ़ का पानी जैसे निकल रहा है, फिर नदी का जलस्तर थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, तो इस परिस्थिति में हम लोग अंतिम एक प्रतिवेदन फिर भेजेंगे। विभाग मांग रहा है, हम लोग फिर भेजेंगे, तब आपको फिर सूचित करेंगे कि, और किसानों को कहीं से घबराने की बात नहीं है। तो मतलब रबी में आघात रबी के लिए किसानों को हम लोग समय पर दलहन तलहन का बीज दे देंगे, डिमोस्ट्रेशन का हो चाहे अनुदानित दर का बीज हो, दलहन तलहन का बीज हम लोग आवेदन अभी चालू है, अधिक से अधिक किसान संख्या में आवेदन करें दलहन तलहन के बीज के लिए। अब फिर आपको उसके 10 दिन के बाद 15 सितंबर के बाद हम लोग फिर आवेदन लेने लगेंगे इसका, मक्का और गेहूं का, चना का, मसूर का, ठीक ना। तो ये चना मसूर का तो पहले हम लोग ले रहे हैं अभी दलहन तलहन राई सरसों का, और मेन मक्का और गेहूं का हम लोग बाद में इसके बाद लेंगे आवेदन।